नाम जप लो, प्रभु का जिंदगी का ठिकाना नहीं है। प्रभु के निरंतर नाम की जाप से श्री नारद भगवान की मिली हुई श्राप धूमिल हो गया था। उक्त बातें बिशुनपुर सैदपुर परसा में हो रही रुद्र यज्ञ में कथावाचक संदीपाचार्य जी महाराज मानस मधुकर ने प्रवचन के दौरान नारद मोह की कथा के दौरान कही। महाराज संदीपाचार्य ने कहा कि ईश्वर के प्रति कृत संकल्पित होकर ध्यानपूर्वक उपासना में ईश्वर की शरण में लगा हो उसके प्राण को ब्रह्मांड में कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता है। जिस मनुष्य में काम क्रोध तथा लोभ की वासना है उस मनुष्य का जल्द ही विनाश हो जाता है। जिस मनुष्य को अपनी प्रशंसा सुनने की भूख लगी रहती है उसकी जिंदगी खतरनाक होती जाती है। जो मनुष्य अपनी प्रशंसा खुद करे तो समझ लीजिए उसका किया हुआ पुण्य क्षीण हो जाता है। मधुकर महाराज ने कहा, मनुष्य का पतन उस दिन से शुरू हो जाता है जब मनुष्य खुद की बड़ाई करने लगते हैं। इसलिए मनुष्य को भगवान के प्रति आस्था रखते हुए सच्चे मन से सदा सही मार्ग पर चलना चाहिए ताकि मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। उन्होंने नारद मोह की कहानी सारण की धरती से जुड़ी होने की बातें कही। उन्होंने कहा कि सारण जिला के मणौरा स्थित शीलहरी की पवित्र धरती से नारद मोह की कथा जुड़ी है। उन्होंने सारण छपरा की धरती से देवी देवता की जुड़ी कहानी को सुनाया। संत जी महाराज ने कहा कि कलयुग में हरि के नाम जाप से भगवान मुक्ति का द्वार खोल देते हैं। हरि कथा सुनने तथा हरि नाम लेने की कोई उम्र नहीं होती है। कथा सुन श्रोता झूम उठे। वही 9 दिवसीय रुद्र यज्ञ को लेकर बनारस के यज्ञाधीश श्री विदेशी बाबा के नेतृत्व में पूजा अर्चना कराया गया। आचार्य कमलेश मिश्र के द्वारा विधि विधान वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञशाला में रंजीत उर्फ महात्मा जी, बबली देवी, उमा शंकर सिंह, अनिता देवी, अनिल कुआ, अनिता देवी, शानु सिंह, रेणु देवी द्वारा पूजा अर्चना किया गया। इस दौरान सैकड़ों महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने यज्ञशाला का परिक्रमा कर अमन चैन की कामना किया गया। इस मौके पर अर्जुन सिंह, डॉक्टर विजय राय, भुलन सिंह, विकास सिंह आदि सैकड़ों श्रद्धालुगण भाग लिया। D11 टीवी के लिए छपरा से दीपक कुमार की रिपोर्ट। बनाया मैंने
मम मोनि तोरि जी।